हेलो गाइस, वी आर बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का है। तो हम रह चुके हैं यहाँ पर 2 दिन, तो आज हमने सोचा है कि कहीं और जाएं, क्योंकि घूमने आए हुए ज़रूर कहीं और जाना चाहिए। तो पहाड़ों की तरफ सोचा है और होटल छोड़ रहे हैं हम ये वाला, क्योंकि न्यू होटल में जा रहे हैं। ये हो गए हमारे भाई रेडी भालू बन के, कि जैसे बादलों पर जा रहे हैं आसमान पर जा रहे हैं। जुबैर भाई, आसमान पर जा रहे हो? हेलो जी जी भाई, आसमान पैराशूट बांध लिया मैंने। पैराशूट बन लिया है जी। खैर है, एंजॉय किया, ये होटल भी अच्छा है। खैर, आपको नेक्स्ट होटल का रिव्यू करवाते हैं कि किस तरीके का है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। लेकिन कोशिश तो यही है कि हमें ये वाला ज़रूर व्यू मिले। वाओ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लेवल का मौसम हो रहा है यार, बाहर लेवल का। खिड़की खुली रहने दो, गर्मी हो रही है थोड़ी। खैर, चलते हैं आपको वहां पहुंच कर याद करेंगे ये मोमेंट। क्या करें, एंजॉय कर रहे हैं। जुबैर भाई, टाइम से पहुंच जाना है वहां पे, क्योंकि जरूरी काम से सोना भी है। हाँ, जरूरी काम से सोना भी है, क्योंकि नींद पूरी हो नहीं रही है। क्योंकि उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर सो जाते हैं, इस वजह से नींद रह जाती है ना। सर्दी हो रही है क्लास की, और मिस करेंगे हम इस होटल को। और इन्होंने मंगा लिए करीम, जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। फाइनली गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो, मज़ा आ रहा है। हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट मंजिल पे, मतलब सेकंड मंजिल पे। ये होटल है हमारा, चल के ऊपर चल के रिव्यू कराते हैं क्या यहाँ का एनवायरमेंट है। ये हमारा रेस्टोरेंट प्लस बार, बार से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ओके, एक किया जुबैर भाई ने हमारे, लेकिन हमें पता लगेगा ऊपर जाके कि क्या कारनामा अंजाम दिया है उन्होंने। वो रूम तो अच्छा किया था, बाकी का पता नहीं। सीन ऐसा है कि यहाँ पर जो रिसेप्शन का बंदा है उसको तो इंग्लिश आती है भाई, हमारा काम तो हो गया, वरना तो इंग्लिश नहीं आती, ना हम उनको कुछ बोल सकते हैं, ना वो हमें कुछ समझा सकते हैं। खैर, डील चल रही है। Okay.
ये वाईफाई का पासवर्ड है। A few moments later. Wow. रूम तो ये भी अच्छा है। रूम तो ये भी अच्छा है। हमारा रूम है, यहाँ बैठ के कचरी शचरी कर सकते हैं हम। और वही व्यू मिला है मुझे भी। कहाँ सटेगा, कहाँ सटेगा, कहाँ सटेगा। लो भाई, व्यू नहीं दिख रहा है बाहर का, लेवल का व्यू आ रहा है। वाव, ये हमारा रूम है। एलसीडी वगैरह लगी हुई है। लेकिन यार बात ऐसी है कि जो वो रूम था ना, वो क्लास का था। ये थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसकी तो बात ही अलग थी। जो बात है यार, एसी भी लगा हुआ है। कुछ आप पीना वीना चाहें तो ये खाली पड़ा हुआ है, और रख कर खुद ठंडा करके खुद पिए। ये कबर्ड है, तिजोरी है, अपना सामान सुमून रखना चाहें आप। वाह, वॉशरूम चेक करते हैं। यार नेक्स्ट लेवल है यार वॉशरूम का। वॉशरूम कुछ अच्छा है, बेस्ट है। वॉशरूम जो है नीट क्लीन है, क्योंकि सामान वामान रख कर हम निकल गए थोड़ा एंजॉय करने बाहर पैदल। और ये यहाँ का गुजर नाला है। मजे की जगह यार। वाओ, साफ पानी है एकदम, नीट क्लीन। और ये देखें जुबेर भाई, एंजॉय कर रहे हैं आप? सर्दी हो रही है, मजा आ रहा है वैसे, मतलब ट्रिप आपका अच्छा हो रहा है। हरुण भाई जी, कहाँ जा रहे हैं? सर एंजॉय करने निकले। कैसा लग रहा है आपको बिश्केक? बिश्केक बहुत प्यारा है, और लेवल का मौसम हो रहा है। और ये आप कहाँ खड़े हैं, गुजर नाले पे? नहीं नहीं, गुजर नाले ये ले ले। अच्छा ले ये जी। अच्छा तो हारून भाई ये ले जी, ये ले। और स्मेल होती है, लेकिन इधर स्मेल नहीं है, ये साफ सुथरा पानी है, पढ़े लिखो का है ना। हारून भाई ये देखें आप, लेवल चेक करें जरा। या जुबेर भाई, हारून भाई ये सामने क्या है? ये सामने मॉल है, यहाँ पर चलते हैं। और सीन ऐसा है कि हमें इंतजार है स्नोफॉल का, अगर वो हो गई ना तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। लेकिन कुछ आइडिया लग नहीं रहा है, लेकिन कल बताया है कि कल होगी, तो कल की कल देखते हैं इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? आज तो एंजॉय करें इंशाल्लाह। स्ट्रीट वॉक, वाओ, ट्रैक्टर भी है। हेलो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मेरे भाई क्या कर रहे हो? सिग्नल, चलो 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 चलो। और ये है यहाँ का मॉल, जहाँ हम जाने वाले हैं अंदर। देखते हैं क्या एंजॉयमेंट होने वाला है। क्या बोलते हैं यार, इनके तो अपने ही मजा है। घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं अकेले अकेले। बंदा पूछ लेता है। सर भी बहुत है। ओह ये देखो अलादीन का। ओह 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 बिस्मिल्लाह, ध्यान से गिर भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने अलादीन का काम खराब कर दिया। करतब दिखा रहा सर्दी में। हम घुस गए एक मॉल के अंदर, लेकिन नाम नहीं पता हमें कौन सा मॉल है, लेकिन है ये मॉल। इज्जत वाला मॉल लग रहा है यार, एशिया मॉल है। मॉल की फूड स्ट्रीट, लेकिन इन लोगों के नाम ही अपने अपने हैं। भाई क्या क्या नाम है? जारा का क्या लिखा है? जरीन।
हैं और यहाँ पर KFC KFC फिलहाल KFC जो सही है। यार सीन ऐसा हो गया कि फ्रेश फ्रेश हो गए और भूख सी लग रही है, फूड डिस्ट्रिक्ट देख के तो सोचा कुछ खा लिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। और ये खड़े हुए तो कुछ देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या ले रहे हो? लोकल लोकल यार KFC खाते हैं ना, कोक लेकमार, कोक लेकमार KFC खाते हैं ना चल के। मैं तो खाऊंगा KFC, मुझे नहीं खाना ये, पता नहीं क्या क्या खा रहे हो तुम। पहली फुर्सत में निकल, तुम नहीं खाओ यार। ये फारिग हो गया इंसान, पता नहीं क्या क्या इनकी लोकल लेंगे, पता नहीं क्या क्या खा रहा है, समझ से बाहर है। यार ये इंसान हो गया फारिग, पता नहीं क्या डिश बनवाई है भाई ने, भाई की तो पता लगेगा। और KFC है ये। जुबैर भाई आपने क्या लिया? यार मैंने तो लिया लोकल फूड। लोकल फूड हाँ, और हारून भाई मेरा लेंगे KFC। सीन ऐसा हो गया जुबैर भाई का तो आ गया, क्या लिया ये दिखाओ। ये तो रोटी है भाई, ये तो रोटी है भाई। मैंने तो लिया KFC, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था लोकल फूड, ये भाई खा सकता है, लेकिन चख के तो हम भी देख लेंगे, कोई लग रहा है लजीज था, क्या बोलते हो? सीन ऐसा है कि मज़ा आ रहा है, इतनी सारी डिशें हैं, लेकिन मसला ये है कि ना उनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश तो वैसे हमें भी नहीं आती बात तो ये है सारी। खैर तो कुछ कर करा करते हैं, करते हैं कुछ कर कर आगे KFC ले ली, और इस पे भी सारा रशियन जबान लिखी हुई है यार। अब हाथ बीच में ला रहे हो यार, मेरी व्लॉगिंग चल रही है। बात कर मेरे को, मेरे को जानता नहीं। ये देखें सारी रशियन जबान लिखी हुई है। डील हो गई है हमारी रेडी भाई, ये आ गई हमारी KFC। ओए हो, हम खाएंगे KFC। वन पीस, वन बर्गर, होल्डिंग। अरुण भाई KFC खा रहे हैं आप? जी सर, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, हमें तो ये समझ में आया। सर आप पता नहीं क्या खा रहे हैं भाई, हलाल है सब। जिस चीज़ का पता नहीं हो ना, उस चीज़ में उंगली नहीं रहो भाई। यार हमें पता है आप खा सकते हैं, मैं तो KFC खा रहा हूँ। कैसा लगा टेस्ट यहाँ का? बस सही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, दुबई जैसा नहीं है। दुबई लेवल है यार। ये अरुण भाई बैठे हैं एशिया मॉल में। एशिया मॉल है किस जगह में? बिश्केक किर्गिस्तान में। ओए होए, दोबारा बाहर आ गए, ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। ये है एशिया मॉल, अगर आप यहाँ पर आते हैं सेंट्रल, क्या है यहाँ पर, ये सेंट्रल स्क्वायर वहाँ से ये एशिया मॉल करीब है, यहाँ पर आएँ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलो चलो चलो, खुला हुआ है भाई। भागते भागते ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं। बंद हो गया यार, जब हम निकले थे जब तो ठंड कम थी, लेकिन अभी जैसी शाम हो गई ना, लेवल की ठंड हो गई है, और हाथ बाहर निकाले नहीं जा रहे ना, व्लॉगिंग हो रही है। जुबैर भाई क्या बोलोगे? ठंड बढ़ गई है, बर्फ के इंतजार में है ना हम। ये मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा होने वाली है, हम गिरेंगे कि बर्फबारी हो जाए। बर्फबारी हो जाए तो हम जाएं यहाँ से, बर्फबारी की वजह से जो रुके हुए हम लोग। ओह, 2000 years later। सो गाइस, सीन ऐसा हो गया कि बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, बिल्कुल व्लॉगिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आवाज़ हमारी नहीं निकल रही थी। अब आए, थोड़ा सांस वांस लिया, रूम पे पहुँच गए सेफली। बहुत ठंड हो रही है लेवल की, और अब हमारा नेक्स्ट प्लान है पहाड़ों का, क्योंकि वहाँ हो रही है स्नो, तो
तो वो देखना हमें लाजमी है। तो ये व्लॉग हमारा यहीं तक था कि आई होप कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, और जितना हो सकता है हम दिखा रहे हैं आपको। बाहर कोशिश करी मैंने व्लॉग बनाने की लेकिन बना नहीं सके क्योंकि ठंड इतनी थी, हाथ बाहर निकाल लेते तो हाथ जम रहे थे हमारे। और तो फिर मिलते हैं उससे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो आई होप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई को सपोर्ट करना है, आप लोगों ने ही करना है, और कौन करेगा। खैर हमारे जुबैर भाई आकर फौरन आकर चादर ओढ़ के लेट गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।